एपिसोड 192 192। अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकई को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया। तेहि पुनि बीछि मार तेहि पियाय बारुनी कहहु काह उपचार। सुवन जोग जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघु भाई दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाए तुम सब कहो कढ़ावन टीका राय रजाय सुसब कहनी का उतरु देउ के ही विधि के ही कहु सुखेन जथा रुचि जे ही मोहि कुमातु समेत बिहाई कहु कही के किन भलाई मोबिनु को सचराचर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कह पड़लाहु अदिनु मोर नहीं दूषण काहु संशयशील प्रेम बस अहु सबुइ उचित सब जो कछु कहु राम मातु सुठी सरल चित
मुँह पर प्रेम बिसेख कहई सुभाय सनेह बस मोरी दीनता दे विवेक सागर जगु जाना जिनहि विश्व कर बदर समाना मोकह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको परिहरि राम सिय जग माही कौन कही मोर मत नाही सो मैं सुनब साहेब सुकुमानी अंतहु कीच तहां जह पानी डरु न मोहि जग कही कि पोचु पर लो कहु कर नाहीन सोचु एक ही उर बस दुसहे दवारी मोहि लगी भेसिया राम दुखारी जीवन लाहु लखन भल पावा सब तज राम चरण मनु लावा मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ काह पछिताऊ अभागी आपनी दारुन दीनता कहूं सब हे सिरुनाय देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जाय आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा को जिय कई रघुबर बिनु पूझा एक ही आक इहई मन माही प्रात काल चली हम प्रभु पाही यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमि सब करी हही कृपा विसेखी सील सकुच सुठी सरल सुभाव कृपा स्नेह सदन रघुराव अरिहुक अनभल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि पामा तुम पै पाच मोर भल मानी आयसु आशिष देहु सुबानी जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी
आवही बहुरी राम रज धानी।